नमस्कार, इटना स्वदेश पे मिट के मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिनोगिरी। अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा आज भारतीय बाजारों में अब तक क्या हुआ। तीन घंटे का कारोबार बचा हुआ, इस कारोबार में अब आपको क्या करना चाहिए, क्या इंडेक्स पर नजर बना के चलनी चाहिए या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खासतौर पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 20,000 के लेवल को फिर से वापस से निफ्टी ने पार किया और कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर लगातार टिकने की कोशिश कर रहा है। आज के निफ्टी का हाई देखिए 20,041 का है, आज का लो देखिए 19,956 का है और 19,976 के आसपास ये खुला था। यानी कि जहां से ओपन हुआ उसके बाद धीरे धीरे खरीदारी बढ़ती गई और कह सकते हैं कि अब ये दिन के ऊपरी स्तर के वापस के आसपास पहुँचने की कोशिश कर रहा है। ये अच्छी बात यह है कि कह सकते हैं गैप अप खुला और उस गैप अप को लगातार निफ्टी होल्ड कर रहा है और ये सीधे तौर पे मजबूती का संकेत दिखा रहा है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, अच्छी बात आज बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिली। 44,000 का जो लेवल था बैंक निफ्टी के लिए लगातार वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आज का जो लो है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, वो 44,003 का है, यानी कि 44,000 के बेहद करीब पहुंचा लेकिन उसके नीचे नहीं गया। आज का जो ओपनिंग भाव है अगर बैंक निफ्टी की बात करें 44,081 का, यानी कि बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर खुला, उसके ऊपर लगातार टिका और कहीं ना कहीं उसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। 44,328 का इसका हाई है, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया लेकिन उसकी चिंता की बात नहीं, क्योंकि हैवीवेट बैंकिंग स्टॉक्स में खासतौर पर HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है। अब मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखिए, मिड कैप इंडेक्स वापस से मजबूती दिखा रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है, वहाँ एक अच्छी मजबूती मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास जो है मिड कैप इंडेक्स पहुंचता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहां भी हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है, खरीदारी का रुझान वहां बना हुआ है। निफ्टी में जो तेजी है उसकी वजह कहीं ना कहीं IT कंपनियों का कह सकते हैं, पिछले दो दिनों से IT कंपनियों ने मूड सुधारा है बाजार को। निफ्टी IT के इंडेक्स को देखिए, तमाम इंडेक्स में सबसे तेजी किसी इंडेक्स में है तो निफ्टी IT में है, लेकिन चूंकि ये मिड कैप का शो है तो इसमें मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बात करता हूं। मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको दिखाता हूं जो निफ्टी 50 से अलग है, सेंसेक्स से अलग है, लेकिन उसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। ये तमाम शेयर जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहे हैं या ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप देखिए कुछ स्टॉक जिसमें की खरीदारी आज के ट्रेड में सीधे तौर पर, ADF फूड जैसे स्टॉक्स है जिसमें खरीदारी देखने को मिले। इसके अलावा टोरेंट पावर का एक शेयर देखिए, कल इसी शो में चर्चा के दौरान मैंने बात की, सारे स्टॉक्स इंट्राडे चार्ट दिखाइए, टोरेंट पावर कल मैंने इसी शो के दौरान चर्चा की थी, कहा था कि उस पर नजर बना के चाहिए, टोरेंट पावर नहीं टोरेंट पावर, कल भी इस पर चर्चा हुई थी और आज भी शेयर में देखिए करीब 12-13% की मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा मैक्सिमस फार्मा देखिए, वहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, करीब 8-10% की मजबूती देखने को मिली है। मिंडा कॉर्प देखिए, वहां करीब 9% की मजबूती देखने को मिली है। बोरोसिल देखिए, वहां एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। इसके अलावा आज के ट्रेड में जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रेनियस इंडिया, दीपक फर्टिलाइजर, मन्नापुरम फाइनेंस, HEG जैसे स्टॉक्स है जहां खरीदारी देखने को मिली है। सरकारी बैंकों में आप देखिए आज के ट्रेड में इंडियन बैंक, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहां की आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। तो सीधे तौर पर यह संकेत है कि बाजार में जो है दिग्गजों में खरीदारी है, लेकिन उसके साथ साथ स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ऐसे में अगले तीन घंटे के लिए क्या आपको ट्रेड करना चाहिए, बात करते हैं तीन घंटे के ट्रेड की। और तीन घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ 5paisa.com के रुचित जैन हैं। रुचित नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है और वापस से निफ्टी अब 20,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, टिका हुआ है, क्या जल्द ही हम नया ऊंचाई देख सकते हैं, चूंकि मंथली एक्सपायरी है कल? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल डेफिनेटली मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में जो कंसोलिडेशन दिखाया था हमें, जहां पे बार बार 19,850-19,870 के आसपास हर्डल एक कर रहा था, वो कल के ट्रेडिंग सेशन में एंड में ही क्रॉस हुआ है और उसके बाद आज फॉलो अप मूव भी हम देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट आप बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे तो वो भी एक ब्रेकअप वर्च पर है। ऑप्शंस की पोजीशंस के हिसाब से 20,000 का 19,900 के पुट में काफी राइटिंग हुई है और यूजुअली जब इतने पुट राइटर्स एक्टिव होते हैं तो मार्केट्स का रुझान जो होता है वो थोड़ा तेजी की साइड या एक्सपायरी की साइड होता है। सेकेंडली मनीष जी, आप FIIs की अगर FNO की पोजीशंस देखेंगे तो थ्रू आउट द सीरीज काफी शॉर्ट साइड पे रही है, लगभग अभी भी 75% से ज्यादा पोजीशंस कल के डेटा के हिसाब से उनकी शॉर्ट साइड पोजीशंस है, तो पॉसिबल है कि वो शॉर्ट्स अभी कवर हो गए क्योंकि मार्केट ने हर्डल क्रॉस किया और उसके कारण मार्केट्स में मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव कंटिन्यू रहेगा। हम फिलहाल आज के लिए 20,050 से 20,070 का रेंज देख रहे हैं जहां पे इनिशियल हर्डल निफ्टी के लिए रह सकता है और एक बार अगर हम कल तक एक्सपायरी के पहले अगर 20,070 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो वो डेफिनेटली हम बहुत ही जल्द नए हाइज की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। तो लेके क्या रहा है आप, तो 44,000 के ऊपर आराम से टिक रहा है, ये
क्या वापस से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है? क्योंकि अच्छी बात यह है कि एचडीएफसी बैंक ने वापस से उसमें एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, और बीते आप 10-17 से देखिए एचडीएफसी बैंक में धीरे धीरे लेकिन खरीदारी देखने को मिल रही है। जी मनीष जी, तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है उनका काफी बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है बैंक निफ्टी के मूव के लिए, क्योंकि उनका वेटेजेस काफी ज्यादा है। आप चाहे एचडीएफसी बैंक देखे, आईसीसी बैंक देखे, एक्सिस बैंक देखे, तो अगर इन स्टॉक्स में अगर कुछ पॉजिटिविटी नजर आती है तो उसका सीधा असर हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स पर भी देखने मिलता है। तो टेक्निकली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है बैंक निफ्टी इंडेक्स में, जिसका ब्रेकआउट 44,350 के ऊपर है, और अब हमने 328 के आसपास तक का फिलहाल हाई बनाया है आज। अगर ये 350 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम एक अच्छी मूव नो ये पैटर्न के ब्रेकआउट के हिसाब से एक्सपेक्ट करेंगे। तो फिलहाल स्ट्रक्चर डेफिनेटली जो हैवीवेट्स है प्राइवेट सेक्टर के, उनको देख के लग रहा है कि 350 के लेवल ब्रेक हो जाना चाहिए, और वो ब्रेक होता है तो 44,500-44,800 ये इमीडिएट लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। 44,350 के ऊपर जाता रहे तेजी और बढ़ती हुई दिखेगी। आज का जो हाई है 44,328 का है, उसके बाद तेजी बढ़ती हुई दिखेगी, 44,500-44,800 तक भी जा सकता है, ये उचित मान रहे हैं। उनको भी लगता है कि निफ्टी में भी यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। ऐसे में ट्रेडिंग के लिए कौन सा शेयर्स आपको समझ रहे हैं इस लेवल पे? दो स्टॉक्स हैं जहाँ पे खरीदारी की सलाह है, दोनों ही प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। सबसे पहला स्टॉक रहेगा दीपक फर्टिलाइजर में। वेल ऑफ लेट कुछ करेक्शन भी आया था और स्टॉक अभी सपोर्ट के आसपास, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम्स देखें तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स इस स्टॉक में हो रहे हैं, और जब भी स्टॉक में प्राइस अप मूव में इतने अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं तो जनरली बॉटमिंग के साइंस होते हैं। तो यहाँ पे 610 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह है। 675 जो रेजिस्टेंस है वहां तक ये स्टॉक अप मूव कंटिन्यू रह सकता है। और IRCTC ये दूसरा स्टॉक है जो हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सो आइडियली थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है रेलवे स्टॉक्स में, जैसे दूसरे रेलवे स्टॉक्स में हमने परफॉर्मेंस देखा है वैसे रेलवे स्टॉक में IRCTC इतना चला नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़े पॉजिटिव संकेत है क्योंकि फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमने मिड नवंबर में देखा था। प्राइस जो ऊपर जा रहा है वो अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट के टाइम पे लास्ट एक हफ्ते के साथ साथ मार्केट के साथ कंसोलिडेट हुआ, तो छोटे मोटे जो डिक्लाइंस आए उसमें वॉल्यूम्स के साथ में सेल ऑफ नहीं है, मूविंग एवरेज सपोर्ट्स को इंटैक्ट रख रहा है। तो आई थिंक ये दिसंबर के फर्स्ट हाफ में आपको अच्छा मूव दे सकता है। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के नजरिया रख के 690 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 720 के इनिशियल हर्डल्स रहे स्टॉक को जो पहला टारगेट रहेगा, और 720 के लेवल्स क्रॉस होते तो 730 और उसके ऊपर के लेवल्स भी आप दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दो शेयर खरीदारी करने की रुचि की तरफ से उनको लगता है कि दोनों में मजबूती देखने को मिल सकती है। IRCTC उनको पसंद है, 720 का पहला टारगेट, 730 का दूसरा टारगेट मान के चल रहे हैं, यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा दीपक फर्टिलाइजर, कल भी मैंने शेयर पर चर्चा की थी जब फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कल के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली थी, 675 रुपये का टारगेट खरीदारी करके चलिए, 610 रुपये का आपको इसमें स्टॉपलॉस लगाना होगा। अब एक शेयर दिखाइए टाटा पावर, ट्रेंड पावर। आज के ट्रेड में हमने देखा है ट्रेंड पावर में फिर से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। रुचित, कल भी इसी शो में जब मानस थे तो मैंने उनसे चर्चा की थी शेयर को लेकर, उन्होंने कहा था यहाँ से मजबूती और देखने को मिल सकती है, शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है अभी भी। क्या आपको लगता है कि वापस से जिस तरीके से आज इसने इंट्राडे में 1,000 के लेवल को छुआ है, 1,004 का छुआ है, और अब करीब 946 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि वहाँ से करीब 60 रुपये के आसपास का करेक्ट हो चुका है शेयर, क्या किसी के पास है तो एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर लेके आए, अच्छी रैली देखने को मिली है शेयर में? तो मनीष जी, मेरी सलाह तो रहेगी कि होल्ड करना चाहिए। सो आइडियली इंट्राडे का 60 रुपये का करेक्शन देखने से ज्यादा बेटर है कि ये देखे कि पिछले कुछ महीनों में स्टॉक ने क्या किया है। इन रिस्पेक्टिव ऑफ जो बाजार में करेक्शन भी आया था 20,200 से लेके हम 18,800 के लेवल भी हमने टेस्ट होते हुए देखे, जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप में भी करेक्शन थे, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक था जो लगातार गिरावट के समय में भी आउट परफॉर्म कर रहा था। और अब हम देख रहे हैं कि जब तेजी का मार्केट में रिजम्पशन हुआ है तो बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ में ये प्राइस अप मूव दे रहा है। सो आई थिंक ये जब स्टॉक इतना ज्यादा चल चुका है तो हायर लेवल से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़े डिप्स आ सकते हैं, बट ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, और जो स्टॉक करेक्शन के समय में आउट परफॉर्म करता है ऐसे स्टॉक में तो आई थिंक ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए। तो कोई पोजीशंस है तो सडनली ट्रेंड को ये स्टॉक में अभी भी बने रहने की सलाह देगी। तो सीधे तौर पर जिनके पास वो बने रही है इसमें मजबूती और भी देखने को मिल सकती है। एक शेयर और देखिए, मिंडा कॉर्प ऑटो इंस्टडी कंपनी है, और जो मेरा चार्ट दिख रहा है उसमें 2015 के बाद ये सबसे ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, और जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है, पिछले दिनों 370 के आसपास का इसने हाई बनाया था, वहाँ से फिर करेक्शन देखने को मिला शेयर में, वापस से खरीदारी देखने को मिले, क्या इस बार ये 370 के लेवल को पार करता हुआ दिख रहा है क्या? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज के वॉल्यूम्स देखिए जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में आज का प्राइस अप मूव है। सो 370 के लेवल क्रॉस हो सकता है और हम रिट्रेसमेंट्स डालें तो 400 के अराउंड के टारगेट्स भी स्टॉक में आई थिंक शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं।
ये राय आती है कि मिंडा कॉप में थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है, 370 के ऊपर जा सकते हैं। जल्दी से एक शेयर पे और जवाब दीजिए, फिर ऑप्शन के चैंपियन की बात करेंगे। बोरोसिल में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, 10 सत्रों से लगातार गिरावट का ट्रेंड, और पिछले कह सकते हैं कि एक डेढ़ महीने से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, इस रेंज से निकलने की कोशिश कर रहा है। आज चूंकि पहला कैंडल तेजी का बना, बहुत मजबूत बना वॉल्यूम के साथ, आपको लगता है कि थोड़ी और मजबूती इस शेयर में देखने को मिल सकती है, या जिसके पास है वो निकलने का ही मौका तलाशे शेयर में? पिछला जो स्विंग हाई था स्टॉक में 8 नवंबर को 444 का था, जहां से फिर से स्टॉक ने थोड़ी बहुत गिरावट देखी थी, तो आज का क्लोजिंग आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये 444 जो अभी फिलहाल तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे पिछले हाई को क्रॉस कर देता है तो फिर एक अच्छी तेजी शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकती है। सो आई थिंक पोजिशन से तो फिलहाल वेट करें और आज लास्ट आधे घंटे में क्लोजिंग देखे स्टॉक और उसके बेसिस पे फिर डिसीजन ले सकते हैं। पास है तो शेयर को होल्ड कीजिए, लास्ट के आधे घंटे में आज कैसे रिएक्ट करता है उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हमने तमाम शेयरों की बात की जो कैश में है, और जिसमें आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेजी में देखने को मिले। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जय पटेल जुड़ चुके हैं। जय, जिस तरीके से बाजार का मूड काफी शानदार देखने को मिल रहा है, क्या बता रहे हैं? तो एब्सोल्युटली जैसे आपने बोला, निफ्टी में काफी तेज मोमेंटम अभी दिख रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है अभी ओआई के साइड देखे तो। मुझे लग रहा है कल की एक्सपायरी के लिए हम 20,000 का बुल कॉल स्प्रेड निफ्टी पर, एक्चुअली बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं कल की एक्सपायरी के लिए। तो निफ्टी का 20,000 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी, 90 रुपीज के अराउंड अभी भाव चल रहा है, और 20,250 का कॉल बेचने की सलाह होगी अराउंड 3.5 जितना अभी भाव चल रहा है। तो ये बेच के मुझे लग रहा है ये रेंज पे कल हम एंड हो सकते कल के दिन में, और निफ्टी में काफी अपसाइड का मोमेंटम है तो ये स्ट्रेटेजी काफी हेल्पफुल रहेगी ट्रेडर्स के लिए। तो यहाँ टोटल प्रीमियम लगेगा अराउंड 4,200-4,300 जितना टोटल प्रीमियम लगेगा, मैक्सिमम लॉस भी उतना होगा क्योंकि हम कॉल बाइंग कर रहे हैं, और मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो अराउंड 8,200 के अराउंड हो रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी काफी फेवरेबल है ट्रेडर्स के लिए, और एक दिन का भी कल ही एक्सपायरी हो रही है तो कल के दिन में भी मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जारी रहेगा, बाजार का 20,100 के ऊपर भी जा सकता है। तो डेफिनेटली निफ्टी में ये स्ट्रेटेजी आई गेस काफी स्ट्रॉन्ग सेंस रहेगी, मोमेंटम प्ले कल के लिए अच्छा रहेगा। सीधे तौर पर मानना है कि एक्सपायरी जो है 20,000 से लेके 20,250 के भीतर होगा, 20,250 के ऊपर निफ्टी कल नहीं जा रहा है। एब्सोल्युटली सीधे तौर पे 250 अंकों का आप रेंज मान के यहाँ से चल रहे हैं, सीधे तौर पे 20,000 की कॉल खरीदिए, 90 रुपये के आसपास खरीद सकते हैं आप। 20,250 की कॉल आपको बेचनी है, 3 रुपये के आसपास उसको बेच के चल सकते हैं। ये नवंबर सीरीज के लिए कल के हिसाब से स्ट्रेटजी उन्होंने बताई है। कोई भी आप ट्रेड करते हो ऑप्शन ट्रेड में, स्टॉपर्स लगाइए, थोड़ा संभाल के ट्रेड कीजिए। जय, शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। कुछ शेयरों पर नज़र बनाते हैं जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। आज देखिए कुछ स्टॉक्स, खासतौर पर एपटेक देखिए, आज के ट्रेड में वापस से थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। एपटेक को लेकर जय, क्या राय होगी इस शेयर में? खरीदारी का रुझान थोड़ा फिर से बनता हुआ दिख रहा है शेयर में? रुचित जी, मनीष जी, रिसेंटली स्टॉक कल जय पटेल जुड़े थे इसलिए मुझे जय पटेल याद आता, रुचित जैन हमारे साथ है इसलिए आप भी चौंक गए कि मैं किसी और को बोल रहा हूँ। एपटेक को लेकर क्या रहा है आपकी? जी मनीष जी, तो एपटेक में हम देख रहे हैं कि रिसेंटली एक अच्छा करेक्शन स्टॉक में आया है, लेकिन जो पुलबैक मूव आ रहा है उसमें कुछ बड़े वॉल्यूम्स नहीं हो रहे, उसके कारण इतने कॉन्फिडेंस स्टॉक में नहीं आ रहे कि कुछ बड़ी अप मूव देखा। हो सकता है एक आध अगर कुछ पुलबैक मूव आया गया तो 280-275 के अराउंड का मूव रह सकता है, बट लेकिन जब तक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में हम हाई टॉप हाई बॉटम नहीं बने तब तक आई थिंक बेटर है कि ये स्टॉक को अवॉइड करें, और काफी सारे मिड कैप स्मॉल कैप में दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटीज है वहां पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की कोशिश करें। थोड़ी देर पहले चूंकि जय जुड़े, थोड़े ऑप्शन की बात की थी और निफ्टी की, और उस पर मेरी चर्चा थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई थी इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुचित को भूल गया था। अगला जो सवाल है मेरे जिस पर मैं जानना चाहता हूँ, ग्रेफाइट और HEG, देखिए दोनों जो है इलेक्ट्रोड सेगमेंट से जुड़ी कंपनियां हैं, और इन दोनों शेयरों में खासियत ये होती है दोनों का एक साथ चार्ट दिखाइए, एक चलता है तो दूसरा चलता है, दूसरा चलता है तो पहला चलता है, ये हमेशा ये ग्रेफाइट HEG के साथ होता है। ये दोनों शेयरों में हमने देखा है कि काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वैसे इस साल आप ग्रेफाइट का चार्ट देखिए, करीब 70-72% रिटर्न देखने को मिला है। ग्रेफाइट और HEG दोनों पर क्या राय होगी आपकी? तो कुछ वैसे ही कोरिलेशन है मनीष जी, जैसे हम REC PFC में देखते हैं,
कि एक स्टॉक चलता है तो दूसरे स्टॉक में अपना आप मूवमेंट आ जाता है। सो आई थिंक सिमिलर एक कोरिलेशन में हम ग्रेफाइट और एचईजी में भी देख रहे हैं, और यहाँ पे फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर दोनों के ही स्ट्रॉन्ग है। रिलेटिवली ग्रेफाइट में आउट परफॉर्मेंस है कंपेयर टू एचईजी, क्योंकि वहाँ पे प्राइस वॉल्यूम स्ट्रक्चर अच्छा है, मूविंग एवरेज सपोर्ट्स इंटैक्ट रखा है। सो यहाँ पे आई थिंक दोनों पे व्यू शॉर्ट टर्म का पॉजिटिव आ रहा है, बट अगर किसी एक को चुनना है तो मैं ग्रेफाइट को उसके आउट परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा प्रेफर करूंगा, जहां पे 460 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें तो 550-540 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये राय आते हुए बैंकिंग स्टॉक्स में खासतौर पर मुझे मिड कैप सरकारी बैंकों पर बात करनी है, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, इन तमाम स्टॉक्स में देखिए आज थोड़ा खरीदारी देखने को मिली है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी की तेजी वापस से बढ़ी, फिर से ये 44,300 के ऊपर आ गया है। इंडियन बैंक देखिए दिन के ऊपर स्तर के आसपास, यूनियन बैंक देखिए वहाँ भी यूनियन बैंक में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, इन दोनों में कोई शेयर पसंद है या दोनों पे आपका नज़रिया पॉजिटिव है? इंडियन बैंक अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे को यहाँ पे ज्यादा फेवरेबल लग रहा है। तो स्टॉक में 100 EMA बार बार जब भी करेक्शन आ रहा है तो सपोर्ट बेस बना है जो अब तक ब्रेक नहीं हुआ है, और वो अभी 395-400 के आसपास ही है। सो यहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड लग रहा है। अगर कोई स्टॉक में खरीदारी करनी है इनमें से तो इंडियन बैंक 395 के नीचे के स्टॉप लॉस के खरीदारी करे शॉर्ट टर्म के लिए, तो 440-450 के टारगेट रेंज एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो 90 के आसपास का स्टॉपस लगाकर आप शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं, 440-450 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अब एक शेयर देखिए जी पावर, इस शेयर में खास ट्रेंड देखने को मिला अगर बीते 10 दिनों में देखिए तो, खबरों के दम पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, पिछले दिनों अपर सर्किट भी लगा, फिर वापस शेयर जो है थोड़ा सा धीमा कारवा करता दिखा, अब वापस से तेजी देखने को मिली और जिस तरीके से शेयर अब आगे बढ़ रहा है, क्या ये पिछले दिनों का जो हाई था हमने देखा था जब 250 के आसपास का ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, क्या वापस से 250 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है क्या आपको? फॉलोअप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक दो दिन के अप मूव देखे थे जिसमें बड़े वॉल्यूम्स थे, बट उसके बाद स्टॉक अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही है, और इसमें 215 एक अच्छा सपोर्ट फिलहाल ये पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन में बना है। तो जब तक 215 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास फिर से एक बार जाएगा। तो कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उनके लिए मिली सराह रहेगी कि 215 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के अभी भी ये पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ये अगर आपके पास है ये पोजीशन तो होल्ड करके जल्दी से एक शेयर और देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पिछले दो सत्रों से अच्छी मजबूती, हालांकि अगस्त के बाद हमने देखा था शेयर में एक बड़ी रैली देखने को मिली थी जो अक्टूबर तक चली, उसका थोड़ा करेक्शन देखने को मिला जब बाजार करेक्ट हुआ, उस लेवल तक तो नहीं पहुंचा, 160 का लेवल था। अब क्या रहा है इसमें, वापस से 160 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है क्या ये शेयर, क्योंकि कई रिटेल निवेशकों ने शेयर को खरीदा है? तो मनीष जी, जो अगस्त के बाद में तेजी हुई थी उसमें काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स थे और वो वॉल्यूम्स के साथ तेजी थी, और जो करेक्शन हमने अक्टूबर के सेकेंड हाफ में देखा, करेक्शन में कोई बड़े वॉल्यूम्स के साथ में सेल ऑफ नहीं था, और सेकेंडली जो करेक्शन आया उसमें इसके जो 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 100 डे में, उसके आसपास स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बेस अप बनाया है। सो क्लियरली यहाँ पे डाउनसाइड अब काफी लिमिटेड लग रहा है स्टॉक में, 130 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है, तो अगर ये 130 के लेवल्स जब तक इंटैक्ट है तब तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे भी फेवरेबल है, फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है और फिर से 160-165 के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 130 के लेवल को होल्ड कर रहा, मजबूती देखने को मिल सकती है, हालांकि थोड़ा वॉल्यूम कम हुआ है अगस्त के मुकाबले, और ये शेयर 160-162 के जोन तक भी जा सकता है ऐसा उचित मान के चल रहे हैं। चलिए, तब हमने तमाम कमाई के खासतौर पर ट्रेडिंग टिप्स की बात, ट्रेडिंग के कॉल्स की बात की है, लेकिन अब कुछ निवेश की बात करते हैं, मिड कैप के महारथी की बात करते हैं। अब मिड कैप का महारथी बताने के लिए हमारे साथ सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं स्पेस सिक्योरिटीज से। सनी शुक्रिया, नमस्कार। बाजार का मूड तो बहुत अच्छा है, निवेश के लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स बताइए। वैसे पिछले दिनों जो भी आपने शेयर बताया है निवेश के लिए, उन सब में एक अच्छा रिटर्न अब तक मिल रहा होगा। या गुड आफ्टरनून मनीष जी, सभी दर्शकों को वेरी गुड आफ्टरनून। आज का मेरा पहला पिक रहेगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, करंट मार्केट प्राइस है 1145 और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1300 का ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6-12 मंथ। एट करंट मार्केट प्राइस कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 15,000 करोड़ का है। कंपनी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वन ऑफ द लीडिंग शिपिंग कंपनी है, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर में है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है काफी रोबस्ट है, सितंबर क्वार्टर में हमने देखा था कि 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें से 79-80% इज कमिंग फ्रॉम इंडियन नेवी और 20-21% 20-21% कमर्शियल वेसल से आ रही है। 13,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पाइपलाइन में है। अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से बात करूं तो कंपनी तकरीबन 30 टाइम्स FY25 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है।
मुझे लगता है कि एक डिसेंट कंपनी वेल डिफेंस कंपनी से मिल रही है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कोई एक बड़ी ऑर्डर अभी गवर्नमेंट की ओर से ड्यू है बिफोर द इलेक्शन, जिसका एक बेनिफिशियरी एक हो शेयर है जो उनको लगता है यहाँ से सैनिकों को मजबूती देखने को मिल सकती है। 1145 का भी इसका भाव है, 1300 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। सनी आप बात कर सकते हैं आप, तो कोचिंग सिफायर में खरीदारी करने की सलाह उनको लगता है यहाँ से मजबूती अगले 6 महीने के लिहाज से देखने को मिल सकती है। दूसरा शेयर मैं बता देता हूँ उनकी तरफ से कौन सा है, APL अपोलो है जो उनको लगता है कि यहाँ से मजबूती दिखा सकता है। 1900 रुपये तक का टारगेट होगा, 1664 रुपये का इसमें जो है अभी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, उनको लगता है 1900 तक जा सकता है। सनी आवाज आ रही है? जी जी मनी जी, माफी चाहूंगा मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी होता है कई बार, बस आप पानी पी लीजिए। जी 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 थैंक, बिल्कुल। या तो मेरा दूसरा पिक रहेगा APL अपोलो ट्यूब, करंट मार्केट प्राइस 1600 1650 के आसपास है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1900 का। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है गैल्वेनाइज्ड ट्यूब स्ट्रक्चरल ERW स्टील में। सेकंड क्वार्टर के नतीजे काफी अच्छे आए थे, जिसमें हमने देखा था कि वॉल्यूम ग्रोथ तकरीबन 12% ऊपर था 6.7 लाख टन पे, और जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY24 का 28 लाख टन का, वो लगता है कि आराम से अचीव हो जाएगा। एट द सेम टाइम EBITDA पर टन जो है FY24 में 5000 रुपए आने का एक्सपेक्टेशन है, और यही बढ़ करके हो जाएगी 5500 से 6500 जैसे जैसे इनका रायपुर का जो प्लांट है इसकी कैपेसिटी रैंप अप होगी। हमें लगता है कि जो कंपनी ने 640 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था FY23 में, वो बढ़ करके तकरीबन 1300 करोड़ हो जाएगा FY25 में, मतलब दुगना प्रॉफिट हो जाएगा अगले 2 साल में। डिसेंट वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो APL अपोलो खरीदारी करने की सलाह होगी, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, 1900 रुपये तक का लक्ष्य हो सकता है, इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। कोचिंग सीपीआर भी उनको पसंद आता है सनी को, 1300 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सनी आपका शुक्रिया, रुचित आपका भी शुक्रिया ATL स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। मिटकम मसाला में आज के लिए इतना ही, मुझे